हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग की बार बार डिमांड आ रही थी, सर हमारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है, लेकिन हमारा पेपर अच्छा गया हुआ था, लेकिन अब हम क्या करें, हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम आरजीपी में चैलेंज और परसेप्शन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है चैलेंज करने का, वो हम समझते हैं। पहले तो बात यह है कि अगर आपका M2 का रिजल्ट आ चुका है और आपके मार्क्स अगर नहीं बढ़े हैं, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। सबसे पहले तो क्या हमें फिर से तैयारी करना चाहिए या हम चैलेंज के लिए जा सकते हैं। तो चैलेंज कौन कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। चैलेंज कौन कर सकता है, नंबर 1, यदि आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप चैलेंज के लिए जा सकते हैं। नंबर 2, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन के आने के 1 सप्ताह के भीतर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आपने अभी तक रिवॉल्यूशन नहीं किया हुआ है, तो भाई आप उसका 1 सप्ताह के भीतर, यानी कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको चैलेंज करना होगा। ठीक है, चैलेंज के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद आरजीबी पे पोर्टल पर आपकी लॉगिन आईडी पर आपको स्कैन की गई कॉपी आंसर शीट भेजेगा। जैसे ही आप चैलेंज के लिए फॉर्म भरेंगे, तो चैलेंज पे फॉर्म भरने के बाद आपको एक आपके लॉगिन आईडी पर आरजीबी का आंसर शीट भेजेगा, उसको आपको चेक करना है। जब हम चेक करेंगे तो उसमें होगा क्या, जिस उत्तर के लिए आपने आवेदन दावा किया हुआ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने मान लो 5 क्वेश्चन आपने वहां पर अटेंड किए हुए, मान लिया अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा किया हुआ जिसमें आपको आरजीपीवी ने मार्क्स नहीं दिए हुए, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन पे आपको मार्क्स नहीं दिए हुए। जिस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स नहीं दिए हुए, उस क्वेश्चन के लिए आपको उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट, यानी कि रिलेटिव डॉक्यूमेंट है, आपको एग्जाम कंट्रोलर को भेजना होगा। और इस प्रोसेस के लिए उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आप केवल ये ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। पेपर विषय में चैलेंज के दौरान दिए गए अंक ओरिजिनल में दिए गए नंबर से अलग होने पर उम्मीदवार के प्रमाण को संशोधित किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी चैलेंज आपने किया हुआ है, अगर आपके मार्क्स में किसी प्रकार का चेंजेस आता है और ओरिजिनल मार्क्स जो भी हैं, अगर वो मार्क्स में चेंजेस होते हैं, तभी आपको यहाँ पर आप में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन इस बात का यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को पेपर विषय में अधिकतम अंकों के 10% से अधिक अंक भरना चाहिए, यानी कि अगर आपके मार्क्स जितने भी आए हुए हैं, अगर उसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स पड़ रहे हैं, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। ओके, अब ऑनलाइन समझते हैं कि ऑनलाइन ये आवेदन किस प्रकार से आप आरजी पोर्टल पर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको अपने आरजी पोर्टल पर लॉगिन करना है, अपना यूजर आईडी यानी कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर रखना है, उसके साथ में पासवर्ड डालिएगा। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट सर्विस पे आप मूव करिएगा। स्टूडेंट सर्विस पे जैसे ही आप मूव करेंगे, तो आपको ये वाला पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर देखेंगे आपको अप्लाई फॉर चैलेंज का ऑप्शन लिखा होगा। इस अप्लाई फॉर चैलेंज पे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास न्यू फॉर्म करके आएगा, जहां पर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, नेम लिखा होगा, आपका ईमेल आईडी लिखा होगा, आपका फोन नंबर लिखा होगा। इन सबको आप चेक करिएगा। चेक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव और कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका फिर से यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिखाएगा। इस एनरोलमेंट नंबर को चेक करिएगा। चेक करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका नया पेज ओपन होकर आएगा। ये चैलेंज फॉर्म फॉर प्री रिक्वेस्ट कहलाता है हमारे पास। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए कि आपके सारे डिटेल यहाँ पर सही है कि नहीं है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट करंट स्टेटस बताना होगा, जो कि आपने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा हुआ है, उस कंडीशन में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वो शो करेगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट पे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्लिक करना होगा इस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट आपका पेज ओपन होगा, चैलेंज सब्जेक्ट स्टेटस। जिस सब्जेक्ट का आप करना चाहते हैं, जैसे कि इस बच्चे का केवल एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसका केवल 2000 रुपीज फीस लग रहा है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट है, तो आपके 4000 रुपीज अप्लाई होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चैलेंज आप तभी करिएगा जब आपको पूरा भरोसा हो कि आपने जो चैलेंज किया हुआ है, यानी कि जिन क्वेश्चन पे आपने बात की, वो उस कंडीशन में आपने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया हो। नेक्स्ट, जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन होगा, तो इस प्रकार से आपको ये कैंडिडेट को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जैसे ही कैंडिडेट यहाँ पर इस पर टिक करेगा और गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा। दिस यहाँ पर अपना पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट ओपन होने के बाद आपका चैलेंज का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, जिसमें फर्स्ट आप में आपने फी जमा कर दी है। उसके बाद आपको वहाँ से एक ऑनलाइन
एक आपको आंसर शीट दी जाएगी। आंसर शीट में आप चेक करिएगा कि किन क्वेश्चंस में आपको नंबर नहीं दिए गए, जिन क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं दिए गए उनके लिए आपको फिर वहां पर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब दूसरी बात ये कि मान लो अगर आप चैलेंज नहीं करना चाहते, आप केवल तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, तो सिंपल ये कि आप कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपका थ्योरी एग्जाम जो होता है 70 का होता है, मिड सेमेस्टर 20 का होता है और असाइनमेंट 10 का होता है। इसमें आपको थ्योरी एग्जाम में आपको मिनिमम 23 मार्क्स लाने हैं, यानी कि अभी जो आपके मार्क्स आए हैं, क्या हमसे ऐसी गलती हो गई है कि जहां पर हमारे मार्क्स 23 हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि इन दोनों में तो आप ऑलरेडी पास हैं, क्योंकि आज आपको कॉलेज ने यहाँ पे मार्क्स में पास कर दिया है। ओवरऑल आपको 30 मार्क्स आपके आना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पर हम तैयारी क्या करें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर उठाइए, उस पेपर को पूरा सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोनस टिप्स ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर नहीं है तो आप क्या करिए, उस पेपर को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com से। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेमेस्टर का फुल लेंथ पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर उसे डाउनलोड करिए और देखिए आपने कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या गलती की हुई है। साथ में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट भी दूंगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं मैथ्स बाय डॉक्टर सोनिंद गुप्ता, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं मैथ्स।